कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो और कुछ करने का जज्बा आपके अंदर हो तो कोई भी हालात, कोई भी मुसीबत आपको रोक नहीं सकती। ऐसे ही मजबूत हौसलों के साथ जिंदगी बिता रही गाजियाबाद की मूर्ति देवी। मूर्ति देवी दूसरे लोगों के लिए भी मिसाल है जो अपने दोनों हाथों के बिना भी जनसेवा में जुटी हुई है। दरअसल मूर्ति देवी के 14 साल की आयु में ही दोनों हाथ एक हादसे में कट गए थे, जिसके बाद भी मूर्ति देवी का हौसला नहीं टूटा और वो आज भी अपने दैनिक काम स्वयं करती हैं। इतना ही नहीं, कोरोना जैसी महामारी में मास्क बनाकर पुलिसकर्मियों के लिए मुफ्त में देती हैं। मूर्ति देवी ने बताया कि कोरोना महामारी में महिला पुलिसकर्मी भी लोगों की सेवा कर रही हैं। इसी से प्रेरित होकर मूर्ति देवी ने भी अपनी मशीन उठा ली और मास्क बनाने के कार्य में जुट गई। मूर्ति देवी अभी तक हजारों मास्क बनाकर पुलिसकर्मियों में वितरित कर चुकी हैं। इन्हें देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि इनके अंदर इतना दर्द छिपा हो सकता है, लेकिन बड़ी बात है कि ये अपनी तमाम मुश्किलों को छिपाकर आज सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपनी जिंदगी जी रही हैं। मेरा नाम मूर्ति देवी है। ये हादसा इंदिरा गांधी मरी थी उससे एक महीना पहले हुआ था। आज मेरे 50 साल के लगभग है। हम देख रहे हैं कि आप मास्क बना रहे हैं इस कोरोना के जंग में और निःशुल्क भी बांट रहे हैं, कब ये आइडिया आया कि आपको मास्क बनाना है और जो निःशुल्क पुलिस वाले हैं या जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्हें मास्क देना है? ये आइडिया मुझे तब आया है कि पुलिस वाली दिन में ड्यूटी कर रही हैं, बच्चे को साथ भी रख रही हैं और रात में वे मास्क बना रही है। इतनी हिम्मत वे बढ़ा सकती हैं अपनी, सो नहीं पाती, 24 घंटे वे ड्यूटी पे भी और मास्क बनाने में बिजी हैं, तो मैं क्यों ना घर पे बैठे हुए इतना काम कर सकती हूँ। मैम दिनचर्या के बारे में जानना चाहें कि मास्क बनाने के अलावा आप घर में सारे काम करती हैं? सारे काम करती हूँ। जब जिस तरह बेटी प्रोग्राम पे चली गई है, छोटी बेटी मेरी बाहर पढ़ रही है। मैम बताया जाता है कि मशहूर कलाकार जो हरियाणा डांसर है मोनिका चौधरी आपकी बेटी है? मोनिका चौधरी मेरी बेटी है। और किस तरीके से मैम परिवार का पूरा वो रहा था लाइफ जब मोनिका डांसर बनी, क्योंकि बताया जा रहा है कि आपका घर भी जला दिया गया था परिवार वालों ने? जला दिया गया था, मेरा पीछा जो है गरीबत का हिसाब था, इनके पापा सीधे साधे हिसाब के थे, परिवार ने मुझे बहुत सताया उसकी, उन्होंने इतना तंग किया, मैं रात में वहाँ से बच्चों को लेकर निकली थी। जो वो टाइम मुझे याद आवे ना, मैं रुक नहीं पाती उस टाइम को याद करके। जिस टाइम मेरे साथ हादसा, रात में बच्चों को लेकर निकली थी, तो बेटी को इस लाइन पे लगाया, तभी इस बेटी ने अब घर को चला रखा है। मूर्ति देवी के हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन अपनी बातें बताते हुए मूर्ति देवी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। हालांकि मूर्ति देवी की बेटी हरियाणवी डांसर है, अपनी बेटी को कलाकार बनाने के दौरान भी इन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन मूर्ति देवी हिम्मत नहीं हारी और यही कारण है कि मूर्ति देवी देश के लोगों के लिए मिसाल बन चुकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।